वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। मैं लड़ जाना। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ग्लोरी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। नमस्कार, मैं हूँ रौनक और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट में। विकी कौशल एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बना दिया। आज विकी कौशल अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक खास मुकाम पर पहुंचे हैं। विकी कौशल ऐसे एक्टर रहे हैं जिनका करियर का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर गया है। आपको बता दें कि विकी कौशल की सफलता का पूरा श्रेय उनकी मेहनत और उनके अभिनय को जाता है। और आज यानी 16 मई को विकी कौशल का जन्मदिन है। विकी के 33वें बर्थडे पर आइए जानते हैं उनके करियर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। मगरमच्छ पानी में अपनी सांस से तरंगे बनाता है। सच्ची? क्यों? मादा मगरमच्छ को बुलाने के लिए, उनको आकर्षित करने। पानी पियोगी क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक। ठीक है, हम पी लेते हैं। इंटा छोड़ी दे, पहले पाउडर छोड़ी दे। इंटा छोड़, पाउडर छोड़। बहुत तलब हो रही है यार। अरे ये तो टाइम है फाइट करने का। बोल टाइगर हूं मैं, रोर कर। रोर? फिर से, फिर से। छोड़ दिया, आज के बाद टेस्ट नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। विकी कौशल इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा है। उनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से विकी बहुत चर्चित हुए और फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था। उनके फैंस आज भी फिल्म उरी का डायलॉग हाउस द जोश बोला करते हैं। हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। आपको बता दें कि एक्टर विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई में हुआ था। विकी आज भले ही एक मशहूर और चर्चित एक्टर है, लेकिन अगर हम विकी के शुरुआती दौर की बात करें तो विकी को बचपन से अभिनय की चाह नहीं थी। विकी स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक्टिंग जरूर किया करते थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं था। वे एक इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री एक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंजीनियर के रूप में 2009 में हासिल की। लेकिन विकी के लिए एक एक्टर बनने तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। उन्होंने इन सब के लिए बहुत मेहनत की है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपको बता दे कि विकी कौशल के पिता एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल हैं। तो बहुत लोगों को ये लगता था कि विकी वो अभिनेता हैं जो सिल्वर स्पून हाथ में लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन क्या वाकई उनके मामले में ऐसा था? जी नहीं, विकी रोज ऑडिशन के लिए बैग में कुछ जोड़ी कपड़े और एक ट्रिमर लेकर रवाना हुआ करते थे, ताकि जैसा भी रोल मिले उसके लिए ऑडिशन दे सके। विकी को सबसे पहले साल 2010 में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला और नीरज गहवान की फिल्म में सहायक निर्देशक थे। जब नीरज ने अपनी फिल्म मसान पर काम करना शुरू किया तो विकी को भी ऑडिशन के लिए बुलाया गया। ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद विकी का बॉलीवुड में करियर शुरू हुआ और उन्हें फिल्म मसान में लीड रोल मिला। मसान में विकी के काम को काफी पसंद किया गया। विकी इससे पहले एक शॉर्ट फिल्म गीक आउट और लव शब्द चिकन खुराना। पूरी क्लास के सामने मेरी रिम्पी को पूछता है, पप्पी देगी? झूठ आंटी जी, गप ना मारो। चुप कर आंटी जी, ठीक तो कह रही है, सारी क्लास के सामने पूछने की क्या जरूरत थी, भैया अकेले में पूछ लेता। और बॉम्बे वेलवेट जैसे फिल्मों में छोटी भूमिका निभा चुके हैं। विकी की दूसरी फिल्म जुबान मार्च 2016 में रिलीज हुई। मुझे सब कुछ चाहिए था, कुछ बनना था, बनना था किसी की तरह, जीना था कि किसी की तरह।
विक्की को एक और बार अनुराग कश्यप के साथ काम करने का मौका मिला जब उन्होंने फिल्म रमन राघव 2.0 में नशे की लत वाले किरदार को निभाया था। इस फिल्म में उनका किरदार नेगेटिव था, लेकिन दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया था। इसके बाद विक्की ने फिल्म राजी से धमाल कर दिया। इस फिल्म से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद संजू मनमर्जियां तू कर क्या रहा? क्या कर रहा है मतलब? भाग रहे हैं? कितना तेल है तेरी गाड़ी में? बथेरा है, परसों ही टंकी फुल कराई है तेरे यार ने। और उरी में धमाल मचाते हुए नजर आए। तीनों ही फिल्मों में उनके किरदार की काफी तारीफ हुई और आज वो बॉलीवुड के चर्चित एक्टर में से एक माने जाते हैं। साल 2019 के एक इंटरव्यू में एक्टर विक्की ने बताया था कि सब कुछ किसी सपने की तरह लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि ईश्वर मुझ पर मेहरबान है और मैं हमेशा ही ईमानदारी से अपना किरदार निभाता हूँ और हर रोज घर भी जाकर मेहनत करता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जन्मदिन के अवसर पर एक्टर विक्की कौशल को ढेर सारी बधाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।